तो हेलो वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा जो टाटा स्टील का अभी जो जैसे कि आपको पता है फॉर्म फिलअप, हाँ आज का लास्ट डेट था। तो बहुत सारे लोगों का जो भी फॉर्म फिलअप होने में गलतियां बहुत सारी हुई थी, तो इसलिए आप लोग पूछ रहे थे कि क्या हम लोग जो फॉर्म है उसको एडिट कर सकते हैं, क्या कैसे एडिट करेंगे इसके बारे में पूछ रहे थे। तो जैसे क्या क्या गलती हुआ था, किसी किसी का जो नेम में गलती हुआ था, किसी का फादर्स नेम में, या फिर किसी किसी का जो भी पासिंग ईयर है वो गलत भराया था, या काफ़ी काफ़ी डिफरेंस डिफरेंस आप लोगों का जो भी गलती थी। देखो एडिट करने का तो वहाँ ऑप्शन कोई भी नहीं मिलता है, जैसे कि कुछ कुछ वैकेंसी होता है जहाँ आपको एडिट करने का टाइम देता है कि लिंक रीओपन होगा फिर वहाँ पर एडिट कर सकते हो, वैसा होता था। लेकिन ये जो टाटा स्टील का ऐसा है जो हाँ एडिट करने का कोई भी ऑप्शन नहीं देता है, तो मैं बता दूं एक वैसे तो दिक्कत ना नहीं होना चाहिए, बट फिर भी मैं बता दूं आपको कि एडिट करने का एक लास्ट ही ऑप्शन है जिसके थ्रू आप एडिट कर सकते हो। तो कैसे करना है सारा कुछ आज के इस वीडियो में बताऊँगा, इसलिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना। चलिए फटाफट से आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए बताते हैं कि किस तरह से आप अपने जो फॉर्म है उसको एडिट मतलब करेक्शन अपना फॉर्म को करेक्शन करा सकते हैं। एक ही ऑप्शन है कि मेल के थ्रू, यह जो अगर आप देखोगे नोटिफिकेशन में तो वहाँ पे एक मेल देगा दिया हुआ है। तो अगर आप नोटिफिकेशन में देखोगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है इंक्वायरी का, यह जो है फॉर एप्लीकेशन रिलेटेड इंक्वायरी कॉन्टैक्ट हेल्प डेस्क, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको टोल नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हो, बट बेटर ऑप्शन आपका होगा ईमेल के थ्रू आप करेक्शन कराओगे। तो ये ईमेल है, इसको आपको यही ईमेल पे आपको सेंड करना है। और क्या लिखना यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेरी विल बी इंटरटेन ओवर ईमेल हैविंग सब्जेक्ट लाइन JET 2023 क्वेरी, ये टाइप करना है सब्जेक्ट लाइन में। तो चलिए किस तरह से आपको मेल करना है ये थोड़ा सा टिप्स मैं बता देता हूँ। तो चलिए मैं ईमेल पे ही खोल के आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो टू है यहाँ, तो आपको ईमेल आईडी जिसको भेजना है वो जो ईमेल है वो उसको टाइप करके जिसको भेजना है वो, फिर आपको सब्जेक्ट में क्या लिखना है, सब्जेक्ट में यही लिखना है, फिर सब्जेक्ट में ये लिख देना है आपको JET क्वेरी लिख के, फिर आपको फर्स्ट तो हेडिंग ये दे देना है यहाँ पे कि रिगार्डिंग करेक्शन ऑफ फॉर्म फिलअप ये लिखना है, फिर नीचे आपको डियर सर करके अपना जो भी आईडी पासवर्ड ये डालना है, फिर उसके बाद जो भी करेक्शन कराना है वो चीज़ आप वहाँ पे लिख देना। जो भी वगैरह जो भी मैं तरीका बताया ये सारा कुछ आपको टाइप कर देना है, फिर उसके बाद सेंड कर देना है, फिर आपको आपका करेक्शन वो लोग कर देगा। जो भी आईडी पासवर्ड ये सारा कुछ आपको भर के आपको सेंड कर देना है, तो आपको करेक्शन हो जाएगा। यही एक लास्ट ऑप्शन है, वैसे कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको जब फाइनल सिलेक्शन होगा तो आपको तो जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह तो वहाँ पर देना ही होता है, एंड जो भी आप डॉक्यूमेंट देंगे वही वही से वो लोग आपने करेक्शन कर लेगा। तो आई होप कि ये छोटे से वीडियो से आपको पसंद आया, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ यार सपोर्ट करो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।